ना हो, कहीं हो न तो हरियो बाजे बधैया, अरे कहीं मूड़ पे मौर माथे चौरवा, अरे कहीं खूनी होली से मातम मचलवा, धोवा जाला मंगिया का पावन सिंहुरवा। आप सब जय श्री कैसेट कंपनी से इलाहाबाद मेजा तहसील का बहुचर्चित कांड पताई डाणी कांड सुनने जा रहे हैं। स्वर दिया है हैदर अली जुगनू और उनके साथियों ने। कवि ने भाव दिया है, कहीं होला सोहर और बाजे बधैया, कहीं मऊर मूड़े पे माथे चौरवा, कहीं खूनी होली से मातम मचलबा, धोवा जाला मंगिया का पावन सिंदुरवा। इसी बात को लेकर दोस्त कुछ पौराणिक उदाहरण भी आपको मिलेंगे। ताज है कि कवाली का टुकड़ा लगा हमारे मास्टर विजयलाल जी दी हैं कि मेरे खून दिल की मेहंदी, मेरे खून दिल की मेहंदी, हाथों में ना लगाना रे, मेरे खून में दिल कवि ने यहाँ भाव दिया इसी पताई जानी कांड के तहत। इतिहास कह रहा है, इतिहास कह रहा है, अपनों से अपने हारे, इतिहास कह रहा है। कितनी सुंदर बात मिलेगी, इतिहास साक्षी है इस बात का। दुर्भाग्य दोनों घर का, दुर्भाग्य दोनों घर का, सब चल दिए पहाड़े, महाभारत आ
थे मैदान करबला में, सिजदे में सर कटा था, सिजदे में सर कटा था, इस्लाम यह पुकारे। पौराणिक एग्जाम्पल, लेकिन देखें आपकी आपसी फूट, आपसी तनाव कहां से कहां बात पहुंचा देता है बाबूजी। लेकिन कुछ संकेत कवि ने दिए हैं, हम सब इंसान है इंसानियत से रहना है, हम सब इंसान है इंसानियत से रहना है, हम सब इंसान है इंसानियत से रहना है। जिंदगी चार दिन की कुछ न गलत कहना है, बात छोटी सी थी एक वाकया सुनाता हूँ, एक हकीकत भरी मैं दास्तां बताता हूँ। फूट परिवार की बेहद खराब होती है, बुझ गई आम की खातिर जीवन की ज्योति है। इलाहाबाद से मैं जा तहसील दूर सुनो, इलाहाबाद से मैं जा तहसील दूर सुनो, पताई डारी गांव हो गया मशहूर सुनो। 2000 सन में जब पंचायती चुनाव हुआ, वहां के ठाकुरों में आपसी तनाव हुआ, बात छोटी मोटी यूं हो ही जाया करती है। तुलसी फोड़ा बनकर एक दिन सुनो उभरती है। एकदम नसीब भरी बातें हैं दोस्त, खाली पताई डाणी के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए। वास्ते आन बान के वे कम नहीं होते, वास्ते आन बान के कम नहीं होते, वास्ते आन बान के कम नहीं होते, वास्ते आन बान के वे कम नहीं होते, वास्ते आन बान के वे कम नहीं होते, वास्ते आन बान के वे कम नहीं होते। आने वाले भी दुनिया में कम नहीं होते, भी दुनिया में कम नहीं होते। देखें आप, आपसी फूट का नतीजा जिस आम के पेड़ के लिए, जिस नायाब फल के लिए इतना बड़ा कांड हुआ, इसीलिए कवि ने एक लाइन का भाव दिया। वह आम आज भी है वर्षों तलक रहेगा, जरा उनके दिल से पूछो, जरा उनके दिल से पूछो, जिनके लूटे दुलारे, जरा उनके गाने की भूमिका रही। इसके पहले कि हम इस कांड को शुरू करें, कुछ अतीत की तरफ भी हमें देखना पड़ेगा। जो भी बात हमसे बताई गई है, उसके तहत ही हम तमाम श्रोताओं को गीत के माध्यम से अवगत करा रहे हैं। त्रुटि हो जाए तो क्षमा प्रार्थी हैं। जिस तरह से एक हाथ से ताली नहीं बजती, ठीक उसी तरह संघर्ष भी एक पक्ष से नहीं होता। आप सबको यही बात इस हृदय विदारक कांड में मिलेगी। आप जय श्रीज कैसेट के माध्यम से प्रोप्राइटर जनाब जावेद तारिक भाई व कार्यक्रम के मध्यस्थ भाई छत्रधारी यादव हंडिया निवासी के माध्यम से इलाहाबाद का यह बहुचर्चित कांड पताई डाणी कांड सुनने जा रहे हैं। थोड़ा सा
इस परिवार की पहले की कुछ बात है, मैं उसे बताना चाहता हूँ कैसे कैसे। सर जी विदेशिया का है मास्टर। देखिए उस परिवार में हुए कौन कौन, हुए तो बहुत बहुत, लेकिन जहां से कहानी की शुरुआत की जाती है कि बाबू लल्ला सिंह जी के दुई गो दुलारा भैले बलवंत सिंह ब्रिजराज सिंह सुगनवा। बाबू बलवंत सिंह के बेटवा सबल सिंह भैले घरवा में उतरल दुई जिया कचनवा। ठाकुर ब्रिजराज सिंह के चार गोर तन भैले खुशबू से महकेला घरवा अंगनवा। समया बीतन लागल लड़िका सयान भैले धीरे धीरे होई गईले शादी गवनवा। इस तरह से इस परिवार की यह छोटी सी वंशावली है। सब कुछ सामान्य था, हंसी खुशी के साथ गुजर बसर हो रहा था। परिवार का विभाजन हुआ तब भी सब कुछ ठीक रहा। गांव के लोग दोनों परिवार को अच्छी तरह से ईमानदारी देते थे, देते हैं। लोग दोनों परिवार को सम्मान आज भी देते हैं। समयानुसार बाबू बलवंत सिंह जी पताई डांडी के गांव प्रधान चुने गए और ठीक उनके बाद उनके सुपुत्र जी गांव प्रधान हुए, जैसा कि हम बताने जा रहे हैं। तर्ज खी लगा था और तर्ज भाई है बाबू जी, बहुत अच्छे मास्टर। कहा है तर्ज प्रधान गांव सम्मान परोसेला पताई डांडी की है शान गांव सम्मान परोसेला। काम सब भैले नीक नीक यहाँ तक बात रही सब ठीक करते रहे सभी गुणगान गांव सम्मान परोसेला। बेटवा देखें आप यहाँ बात ठीक है, लेकिन अक्सर दोस्त जब परिवार में फूटन हो जाती है, विभाजन हो जाता है, तो छोटी छोटी बातों में, कभी के बच्चों के बात में, कभी छोटी छोटी जानवरों के बात में, कुछ न कुछ आपसी मतभेद पैदा ही हो जाते हैं। जरा देखें आप यहाँ पर यही बात आई है कुछ समय पहले। अरे शुरू भा चकबंदी का काम गड़रिया रहले तुलसी राम आम का पेड़ उसी का मान गांव सम्मान परोसेला। देखें आप चकबंदी के बीच में गांव विशैटा के तुलसीराम पाल जी थे, उनका पेड़ वहीं पर था जो इन लोगों के चक के करीब आ गया और चक्रोड में भी पड़ता था। करीब करीब 150 रुपया देकर या और कुछ ज्यादा या कम देकर 5-6 लोगों ने उसे खरीद लिया। अब आज दोनों परिवार आम बारी बारी से खाते हैं, कभी वो ज्यादा तोड़ लेते हैं कभी वो कम, इस तरीके से बात चली आ रही है। जब बराबर बराबर अभी सब कुछ ठीक है, छोटी छोटी बात में मनमुटाव है, लेकिन देखिए आप इसी बीच कुछ छोटी मोटी बात भी हो गई इधर उधर से, कभी औरतों से लेकर कभी बच्चों से लेकर कुछ ना कुछ हो ही जाया करता है और परिवारों में कलह उत्पन्न हो गई। और इसी बीच सन 2000 में ग्राम पंचायत का चुनाव आया।
तो कैसे होता बाबूजी? तो ग्राम पंचायत का चुनाव, ग्राम पंचायत का चुनाव तनाव पूरे यूपी मकीलत। चुनाव में होता है आप सब जानते हैं दोस्त, ये चुनाव इस तरीके से होता है। दुश्मन बना लीत दोस्त दूत बनावा, कमई चुनाव ही करावेला करनावा। जन जन्म पहला भा, जन जन में भइल दुराव तनाव पूरे यूपी मकैलत। देखें आप, ये चुनाव होता है जैसा कि तमाम यूपी में हो रहा है, पताई डाणी में भी चुनाव हो रहा है जैसा कि बताया गया बाबूजी। चुनाव में मुकाबला था श्री वंश नारायण पांडे जी के भाई की औरत और बाबू सबल सिंह जी की औरत के बीच प्रधानी का, और देखें साथ ही साथ ग्राम पंचायत सदस्य का चुनाव श्री सबल सिंह के लड़के और श्री वंश नारायण पांडे के भतीजे के बीच आमने सामने था। इस बीच ब्रजराज सिंह के सुपुत्र भानु प्रताप सिंह अपने परिवार को लेकर विपक्ष में चले जाते हैं बाबू जी। विपक्ष में जब चले गए तो उधर का पलड़ा भारी हो गया, क्योंकि सबल सिंह जी प्रधान थे और प्रधानी का इलेक्शन लड़ रहे हैं, इसलिए बात बड़ी खलने की हो गई कि आपसी फूट की बात हो गई। यही बात कहना है यहाँ पर, सबल सिंह की पत्नी लड़ेला प्रधानी, बेटवा सदस्य बदे खड़ा भाला शानी। लेकिन देखा बाबूजी, मतदाता का मन भी आजकल बदल गए बा, जाने इधर से उधर उधर से इधर कौनो तरीके से। लेकिन देखा बाबूजी, चली गया विपक्षी का दांव तनाव पूरे यूपी मकैल। जैसा कि कहा जाता है दोस्त, एक ही परिवार के, एक ही खून के, एक ही डोर से, एक ही जड़ से दोनों परिवार है। आपस के भूतो महार प्रधानी, अरे धोखा दईगा हमरा के गांव, धोखा दईगा हमरा के गांव तनाव पूरे यूपी मकई। देखिए दोस्त, इस तरह से सबल सिंह बाबू साहब दोनों चुनाव हार गए, बात कुछ खिल गई,
भानु प्रताप जी उधर साथ दे दिए। हमने कहा ना कि छोटी छोटी बात बड़ा मनमुटाव पैदा कर देती है। अब यहीं पर बाबू जी बात कुछ आगे बढ़ती है। कभी को टेरी का भाव देना पड़ा। अरे राम बुझाए ना बुझेला यगिया, बुझाए ना बुझेला यगिया, ज्वालामुखी धड़कती कुछ भी नहीं सुझाए, बुझाए ना बुझेला यगिया, ज्वालामुखी धड़कती कुछ नहीं सुझाए, बुझाए ना दोनों परिवारों के बीच में ऐसा पैदा हुआ विरोध, छोटी छोटी बात बात में होने लगा वहां अवरोध, चिंगारी ज्वाला बन गईली, दोनों को कुछ रहा न बोध, अरे कुंठित हुई भावना दोनों पक्ष का ध्येय रहा प्रतिशोध, एक दूसरे के प्रति तमाम भावनाएं दिल में कुरदने लगी, तरह तरह की बात उनके मन में उठने लगी कि मेरे पिताजी इस गांव के प्रधान थे और हम भी थे, लेकिन आपसी फूट ने मुझे इस कगार पर खड़ा कर दिया कि गांव में रहना दुश्वार हो गया। मन में छोटी छोटी बात थी, लेकिन इसके पहले कुछ इस पार्टी से भी हुआ होगा तब नहीं इस तरीके से वो उस पार्टी में चले गए, कोई ना कोई बात तो जरूर रही होगी। देखें यही बात होती है, जब जो ये कांड हो रहा है इससे 10 दिन पहले की बात है। घटना से दस दिन पहले कुछ होगा बाद विवाद। अरे कई सूचना थाने में पर सुने नहीं फरियाद हो, बुझाए ना बुझेला यगिया, अरे मान सम्मान भला क्यों कैसे भाई भुलाए, बुझाए ना बुझेला यगिया, आप ध्यान दीजिए मुख्य बात पर हम आते हैं। आम का पेड़ चूंकि भानु प्रताप सिंह उनके भाइयों के घर के नजदीक था, इसलिए अक्सर उसका उपयोग किया करते थे। कभी कभी सबल सिंह जी भी कहते थे कि आम हमें भी खाने दीजिए, लेकिन लोग तोड़ लिया करते थे कि आम है, जैसा कि लोग समय समय पर चैत में टिकोरा बड़ा निक लगा था, बड़ा मनी चाव से खा थी ना। तो कुछ ज्यादा लोग तोड़ ले थी। ये बतिया घर वाले देखे तो और सब लड़कियों बच्चे से ना बर्दाश्त होला कि सब हम तो खा जाते हैं, अरे तुम लोग कुछ ले आवा हमें से। संजोग से बाबू जी सन 2001 में आम की फसल बहुत ही अच्छी आई। हाय हाय हाय। हर अमीर गरीब इस साल इस नायाब फल का रसा स्वादन लिया। बताई डाणी का यह विवादित आम भी जो सैटा गांव के तुलसी राम बेच दिए रहे भैया, यह आम बड़ा झूम के आए, इतना जम के फरल, इतना जम के फरल की लोग देख कर खुशी हो जाते। दे ढेला लड़का बड़का तो तोड़बे करें, लेकिन घर वाले इतना पड़ा कि सब खात रहे बाबू जी। और एक इतना नहीं अपना कभी नहीं दिया बाबू जी खी मेहरारू कहा था, ओकर मन से धू है करत करत मुंह आई गई, वह कहा था का खा था, अरे हरी हरी घासिया का बादल भी जा जावा, हाय रे गा जावा, अरे हरी हरी धरतिया का बादल लमी जा जावा, हाय रे गा जावा, पी के गई ले मोरे रह जावा, हाय रे गा जावा, राजा वाले जगह।
पीके गईले मोरे राजवा हाय रे गाजवा पीके गईले मोरे राजवा हाय रे गाजवा पीके गईले मोरे राजवा हाय रे गाजवा हाय हारी पातिया करायो हाय हारी पातिया छह त्रिशज कंपनी से ये बधाई जाने कान सुन रहे हैं भाई छतधारी यादव हड़िया के माध्यम से यही बात है। अरे बउरलया मवा मला गला टिको रवा नाचै मोरवा तोड़ रहे थे तमाम साथियों के साथ तोड़ के ले जाते थे और सबल सिंह से देखा नहीं गया। वो कहा आम हमें भी लेने दीजिए, लेकिन कौन सुनता है बात। कुछ हमने कहा ना कि आपसी फूट कुछ इस तरीके से होती है कि अच्छी बात भी बुरी लगती है। देखें आप गुस्से में सबल सिंह बोल खड़े हुए, तर्ज पापड़ में है और क्या कहते हैं, अरे कल आऊंगा सुनिए मेरा कलाम आम मैं तोड़ूंगा। अरे बोल पड़े, सुनो मेरी बात एकदम सुनो। अरे कल आऊंगा सुनिए मेरा कलाम आम मैं तोड़ूंगा, अरे सारे आम का किस्सा करूं तमाम आम मैं तोड़ूंगा।
में देखूंगा कौन रोकने आता है, जो भी रोकने आएगा देखूंगा कौन बचाता है। अरे रोका कोई तो होगा बुरा अंजाम, याम मैं तोड़ूंगा। अरे होगा याम की खातिर अब संग्राम, याम मैं तोड़ूंगा। दोनों पक्ष में आम की खातिर हो गई झटकी झटका जी, भानु प्रताप सिंह आम लिए और चले गए बेखटका जी। कि ये तो ऐसी बात होती रहती है, पारिवारिक कला है, कुछ बोल गए भाई, चलिए पूर्व प्रधान है कह दिए, कोई बात नहीं है, कल तोड़ लेंगे तो तोड़ लेंगे, मन में कोई बात नहीं आई बाबूजी जी से। लेकिन देखिए आप, अरे तीन मई को हो गई ली अब शाम, याम मैं तोड़ूंगा। और 4 मई की सुबह भइल बदनाम, याम मैं तोड़ूंगा। देखिए बाबूजी, बात तो हो गई, वो आम लेकर चले गए और वो घर आए, अपने घर पर आए, तमाम बात बताए। घर में जैसा कि विचार मशविरा हो गई करता बाबूजी, लोग विचार किए कि देखे सब आम तोड़ ले गए हैं। सबल सिंह कहते हैं कल हम तोड़ ले, एकदम तोड़ ले बा, आज ये क्यों रोके हम देख ले पूरा। बाबूजी मन में कुछ दूसरी बात बस गई, लेकिन दूसरे पक्ष में कोई बात नहीं है। देखें आप, सिफू का कितना बड़ा हृदय विदारक कांड होता है बाबूजी। सुबह 4 मई शुक्रवार को लगभग 7 बजे एक सजाया ट्रैक्टर बाबूजी, जिस पर आधे दर्जन से ज्यादा लोग सवार थे, आकर उस आम के पेड़ के नीचे ट्रैक्टर खड़ा हो गया और बोले कि आम तोड़ लो, इसमें मेरा भी हक है। और यकीनन था दोस्त, तभी ना ऐसी बात होगी कि कल वो तोड़े थे आज हम तोड़ेंगे, देखता हूं कौन रोकता है। और आम तोड़ा जाने लगा बाबूजी। बताया गया बाबूजी, जिस पर ठाकुर सबल सिंह और उनके पुत्रों सहित करीब 1 दर्जन से ज्यादा लोग उस पर सवार थे। अब देखिए यहां पर आए थे जो लोग वहां ट्रैक्टर पर किए सवारी, आए थे जो लोग वहां ट्रैक्टर पर किए सवारी, सबके सब हथियार बंद सब रहे असलहा धारी हो। बुझाए ना बुझे लगिया, बुझाए ना बुझे लगिया, अरे भारी विपद के पारे के बोझ उठाए। बुझाए ना बुझे लगिया, किसी ने आवाज दिया, अरे ठाकुर, अरे आम तोड़ा जाता है। अरे जब सुने बाबूजी कि अरे, तो बाबूजी देखिए ईश्वर की कृपा से दोनों ठाकुरों के परिवार में लाइसेंसी राइफलें बंदूकें मौजूद हैं। और आम तोड़ा जाने लगा जब किसी ने भानु प्रताप को चिल्लाकर बताया, तो भानु प्रताप अपने भाइयों के सहित चल पड़े। और चलते हैं बाबूजी, कौन कौन से आए, बाबू भानु प्रताप सिंह जी, बाबूलाल प्रताप सिंह और बाबू देवमणि सिंह जी, तीनों सगे भाई खाली लाठी डंडा लेके चल गए थे। मेरे परिवार का बात समझा बुझा के कौन तुरंत बात हो जाए, चल गए बाबूजी इसी बात पर। और वहां जब आते हैं, जबकि भानु प्रताप सिंह जी की लाइसेंसी राइफल खूंटी पर टंगी थी, कारतूस खटिया के नीचे बक्सा में बंद हुआ, देखा सब कुछ होते हुए भी कैसा एकदम निहत्था चल गए। और उस इनके पीछे पीछे बाबूजी, इनके पीछे पीछे इनके परिवार के भी 2 लोग वहां पर पहुंचे। जैसा कि कहा गया
बाबू मदारी सिंह जी, पुत्र झल्लर सिंह और बाबू गौरी शंकर सिंह पुत्र बखत बली सिंह भी पीछे पीछे आ गए। और यहाँ देखा बाबू जी, घटना स्थल पर जब आए तो हम थड़ा थड़ा पीटे लगे, ना अचार लाए रह गए, ना खटाई ले रह गए बाबू जी, एकदम फटाफट तोड़ने, इसलिए कि मन में दुराव था, आम तोड़ा जा रहा है यहीं पर, कहना कभी ने आल्हा का भाव दिया। और आल्हा एक जवाबी सवाली में बाबू जी, अब कैसे आल्हा था, एक पार्टी सवाल करता था, दूसरी पार्टी जवाब देता, यानी पत्ती मास्टर, एक पत्ती बोले ना मास्टर, एक पार्टी सवाल करते आल्हा का, कैसे तनी श्रोतागण हमार बात सुने, कि कमन हो चिड़ैया ज करे तीन गो गदोरिया ये भैया, करे छत्तीस करे जवाई भैया, कमल हो चिड़ैया ज करे बहत्तर बबुआया, जय श्री कैसेट कंपनी से आपको इस कांड में ऐसी कोई बात नहीं मिलेगी जिससे आपको आपके परिवार को शर्मिंदगी महसूस हो। पार्टी सवाल करते कौन सी चिड़ैया करे तीन गदोरी होता तीन हथेली, और कौन सी चिड़ैया करे पांच पांजर होता यानी पांच पसली, और कौन सी चिड़ैया करे छत्तीस करेजा होता, और कौन सी चिड़िया करे बहत्तर आंख होता हो। अरे बाप रे, कई पार्टी जवाब दे दिले, अगर जवाब न देवे तो आप लोग सचुपे है तो बूझत रह बुझोलिया कीसा हो। कौड़ा में पुरनिया लोग कहा थी, लड़किया लोग सुन थी, जो हारी मान जाती तो कहती बता दा दद्दा, तो दद्दा बता थी कहा बताओ थी बाबू जी, की ढकावा चिड़ैया के तीन गदोरिया भैया, तनी बतिया समझ ला, ढाक आदमी का ना ढाके का तीन पत्ता, जाके आप लोग देख लिया जंगल में, ढाके का तीन पत्ता मिली, कहावत है ढाके का तीन पत्ता चौथा न मिली, तो ढकवा चिड़ैया के तीने गदुरिया है भैया, ओ खचिया चिड़ैया के पंजरिया हो लाई, जगह खांची कहा थी जे में लोग जानवर का चारा भूसा कुछ रखा थी और दे थी, खांची के पांचे पांजर हो तो छठाई ना हो तो खांची न बनी बाबू जी, एक सुन लिया है और उनके साथी लोग सुनावत है, याद रखा दोस्त, दिल का सोना साज तराना ढूंढेगा, मुझको मेरे बाद जमाना ढूंढेगा, कहे खचिया चिड़ैया के पंजरिया होला पास, ओ केलावा चिड़ैया के छत्तीस कर जवाई भैया, केला का पेड़ लेला ओकर निकोले लगा छीले लगा, परत एक रोज हम छीले लगे ससुर का, एकदम ओका 36 बार छीले ले तब मेहरारू हमार बोले की चाय ले ला हला, ओकरे आगे रोक दिन के करे पता नहीं कितना ससुर पता परत बा, एक दिन 36 छियाद रहा और चलनी चिड़ैया के 72 बाबू आंख, ई बात पर लीजिए कभी लोग मसला लिखे हैं कि सुपवा बोले तो सुपवा चलनिया बोले ला जे करे 72, ई बरे कहा गया कि चलनी चिड़ैया के 72 होला यहां, लेकिन हाय बतिया थोड़ा मुद्दा पे आ जा, दोनों पार्टियां पहुंच गई है बाबू जी, आम तोड़ा जा रहा है, अमामा तोड़ाई जाला सुनी के जसोरवा ये भैया, तीनों भैया चली भैले लठिया उठा ये भैया,
बाला होला होई के रहिए भैया, बात विवाद हो गया पहुंचने में बाबू जी, इसलिए कि दोनों तरफ ठाकुरैती बरकरार रही। देखें आप अमवाई कमवा नसाई दिया बबुआ बदल के प्रयागराज देखता दिए गोलियां चलाए भाइयों में से किसी ने छीना झपटी भागा दौड़ी में एक तमंचा छीन लिया बाबूजी। अब दोनों तरफ से अब क्या रहा, इस तरफ भी असलाहा हो गया। सबल सिंह के पक्ष से किसी ने इतनी बड़ी हिम्मत देखे आप कि असलाहा छीन लिया घुस के, और छीन के बाबूजी जब दोनों तरफ से गोली चलने लगी लगभग आधा घंटा तक भैली लड़ैया लसिया बिछा गईली भाई भानु प्रताप सिंह की वरिया से पान जने अमवा के खातिर भाई गईले राय अरे यमामा का पेड़वा काल भैले भैया अरे यमामा का पेड़वा काल भैले भैया तब ही का अखिया गई ल छल छलाए बाबूजी। इस तरह से पारिवारिक कलह के कारण आम पर कब्जा जमाने के चक्कर में एक पक्ष से 5 आदमी और दूसरे पक्ष से 1 आदमी की मृत्यु हो गई। पताई डांडी गांव में मौत ने नंगा नाचा बाबूजी, जिसे देखकर पताई डांडी ही नहीं प्रयागराज की पवित्र धरती भी रो पड़ी। बाबूजी मारने वालों के एक पक्ष के भानु प्रताप सिंह, लाल प्रताप सिंह, बाबू देवमुनि सिंह पुत्रगण, विराज सिंह और मदारी सिंह तथा गौरी शंकर सिंह, बाबूजी 5 लोग मारे गए। और दूसरे पक्ष से ठाकुर सबल सिंह जी पूर्व प्रधान, जिन्होंने बाबूजी बेली हॉस्पिटल में दम तोड़ दिया, और जो ट्रैक्टर से आए थे घायलों में कहा गया बाबूजी, जैसा कि उजागर किया गया कि सबल सिंह के पक्ष से बाबू सतीश सिंह पुत्र गण शिवकरण सिंह तथा शिवराम सिंह पुत्र बखतबली सिंह आदि रूप स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल में बाबूजी उपचार के लिए भेजे गए, जो अब ठीक हैं बाबूजी। इस दर्दनाक हादसे से बाबूजी कितनों का सुहाग उजड़ गया, कितनों का सुहाग उजड़ गया बाबूजी आपसे भूल के कारण, थोड़ा सा आम के खातिर। छोटी छोटी बात है, संसार कितना बाबूजी, संसार कितना बड़ा है, कैसे कैसे लोग हैं आपने देखा, और कहना है यहाँ पर है बाबूजी घर की औरतें संतऊ तर्ज में बाबूजी एक ही बात आवत है, लाश बिछी है लाश पर लाश बाबूजी लगी है, और देखें कैसे कहना है। करना रहू बेजामू
रख रूपे बड़ी यार हो, बिटिया के रूपे बड़ी यार हो, यह ओरिजिनल रहा। लेकिन बाबूजी यहाँ पर जिन औरतों का सुहाग उजड़ गया, मेरा मतलब है दोनों पक्ष से बाबूजी। मातम एक घर में नहीं है, दोनों घर में मातम है, दोनों घर में खून हुआ है, दोनों परिवार खून से नहाए हुए हैं। आपसी फूट का इतना बड़ा हृदय विदारक कांड होगा, किसी ने सोचा भी नहीं होगा बाबूजी। औरतें कहती हैं बाबूजी, अमावा का पेड़ा बाबा खड़ावा करा वाले फूट गई हमारी के भाग हो, ऐसा न भागन हम जागत यम भैले अचर खिलल नहीं फूल हो, संतोषिया फैल जिंदगिया पीरूल बाबू जी। अपना तो चढ़ के गैया गई जहाजिया, अरे लगल खत्म माया जौनी मुझे खिपिया लगया धियरिया छतिया भभकी रिया गो बाबूजी। तमाम औरतें दोनों पक्ष की रो रही हैं, लेकिन देखें बाबूजी सबसे छोटे बेटे ने थाने में जाकर, बजराज सिंह के चार बेटे दिन तो चले गए बाबूजी, छोटा बेटा बचा है बाबा, वो थाने में जाकर सूचना दिया बाबूजी, प्राथमिकी दर्ज कराई जो इस प्रकार है, सबल सिंह पुत्र बलवंत सिंह, किंतु सबल सिंह तो नहीं रहे, अब जुलई सिंह पुत्र जयकरण सिंह, लाल बाबू सिंह जी पप्पू सिंह पुत्रगण जयकरण सिंह, घप्पू सिंह पुत्र सबल सिंह, कोयलू सिंह पुत्र चंद्रबली सिंह, नरेंद्र सिंह पुत्र अकुलाई सिंह तथा सुरजीत सिंह को इस हत्याकांड का आरोपी करार दिया गया। खबर पाकर पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी पहुंचकर थानेदारों की टीमें तमाम दिशाओं में भेज दिया बाबूजी गठित करके, और तत्काल बाबूजी यहां पर कहना हुआ कि तत्काल कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया बाबूजी, और थानाध्यक्ष महोदय को तीन पुलिसकर्मियों के साथ हिला हवाली करने के आरोप में निलंबित कर दिया गया बाबूजी। तो देखें इस तरीके से खूनी संघर्ष हुआ कि छह लोग मारे गए, दोनों पक्षों का भयंकर नुकसान हो गया, जैसा कि हमने कहा है कि गलती दोनों पक्ष से कमोबेश हुई बाबूजी, एक तरफ से गलती नहीं हुई है, परिणाम में 6 लाश मिली। आखिर में कभी का कहना है बाबूजी कि जो भी बात लोगों ने मौके वारदात पर देखा था बताया भाई जावेद तारिक से, और पेपर ने जो कुछ घटना के बारे में उजागर किया ठीक उसी के मुताबिक यह गीत तैयार किया गया। फिर भी यदि
गायक कलाकार से लेखक से कोई गलती हो गई हो हम क्षमा प्रार्थी हैं। यही बात अंत में कहना है बाबूजी, तमाम दुनिया के लोगों से हमारा कहना है श्रीपति बड़के मास्टर क्या है, अरे काहे बदे कला में उमिरिया गवाई हो, अरे काहे बदे कला में उमिरिया गवाई हो, और चार दिन का जिंदगी लहसी के बिताई हो, चार दिन पेड़ देखा दर ही खड़ावा, अरे लेकिन दुनो घरावा में मातम पड़ावा, अरे छोटी छोटी बतिया मकरा जनी लड़ाई हो। कभी मत लड़िए दोस्त, नहीं यही कांड होगा, ऐसे ही बातें होंगी। और कहना है विधि का बनावल गुलशनवा खिललवा, अरे मनई का तनवा रे भाते दिललवा, अरे हैदर अली सबही से कैला मिताई हो, और चार दिन का जिंदगी हंसी के बिताई हो, चार यही प्रणाम हुआ आम के खातिर की छह लाशें मिली। फिर कहना बाबूजी गोस्वामी जी रामचरितमानस में कहे हैं कि सुनहु भरत भावी प्रबल बिलखि कहे मुनि नाथ, अहानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हार। अब भी वक्त है संभलने का। क्या कहना बाबूजी अंत में कि बैर भाव मत भेद मिटा कर लो मेल मिलाप, अरे खुशहाली और शांति बहाली आए अपने आप हो, बुझाए ना बुझे लाए गिया, अरे आंख में आंसू भर के हैदर की सुनाए, बुझाए ना बुझे लाए गिया, मेरे